फॉर्च्यूनर चलो कुछ मैं मानता ही नहीं इसके आगे, उसको कुछ भी नहीं मानता भाई। 10 गियर और 6 क्लिच 24 इंच के अलॉय व्हील और प्लस भाई प्रोफाइल भी अपनी बहुत कम रहने वाली है ना भाई। उसका टो हुक भी है ना 700 रुपए का आता है, जो कि हर टाइम टग ऑफ वॉर में टूट जाता है। 55 लाख की गाड़ी दे रहे हो, इनका चेसी में बैठ लाता है टो हुक, तोड़ के दिखा दो। फॉर्च्यूनर की 52 आवाज थी भाई मैक्सिमम, इंजन की आवाज, उसके गियर लीवर जो सब कुछ भाई कड़कड़कड़कड़। वो क्या है यार, वो इतनी महंगी गाड़ी दे रहा हो, अब लग भी चेंज नहीं करा वो भाई ने। देखो फोर्ड का लोग छुपा दे, सीधा बैटमैन लगा दे, मेरे को लग रहा बैटमैन से कुछ ज्यादा प्यार है भाई को, ऐसे ही है। फोर्ड मेरे जान लगा रहे, वो बता रहे थे उनकी देहरादून मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, तो बता रहे थे कि बात कर रहे आने की। जितना मेरे को है मेरे से भाई 70-80% तो कह रहे कि सीबी यूनिट आएगी पहले। अच्छा अच्छा। और अकेले नहीं, किसी और स्टार्ट का होगा, महिंद्रा के साथ किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा इनका जब आएगी। अच्छा जब आएगी ये। सोहनी लगदी नारा नू, नंबर लाया महंगा कुड़िए पैसे दे सरकारा नू, टोर टप्पा ला के जेड़े गेड़े करते मैं उन्हां टीना विचोनी, हाथ जटा हुंदा है मोचर टंगे आनी बाइकी जीना विचनी। यार मेरे गड्डी नाले बैरी दोहे छट दे आ तू आ बिल्लो, पैंदा जते हाथे उथे कंप दिया रूहा बिल्लो, हारन वाले मैं देने वर्गे ही बाड़ हिक चौड़ी करके भी जित तुरे नाल वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो गाइस आज ना आपको भाई ऐसी एंडेवर दिखाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल टेस्टफुली मॉडिफाइड रहने वाली है। तो हमारे साथ है आयुष भाई, कैसे हो भाई? भाई बिल्कुल भाई बढ़िया। तो भाई एंडेवर चेक करो, क्या ही तगड़ी लग रही है। तो सबसे पहले मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई एंडेवर से इतना प्यार क्यों? फॉर्च्यूनर भी है, ग्लॉस्टर भी आती है। फॉर्च्यूनर ना 2016 में आई थी। हाँ हाँ। वो सिग्मा वाला वेरिएंट आया था फेसलिफ्ट होकर। हाँ ना। हाँ। उस टाइम ही ले ली थी वो 2016 में ही। अच्छा, 4x4 टॉप मॉडल ही लिया था भाई। उस टाइम में वो पड़ी थी 38 समथिंग की पड़ी थी वो गाड़ी। हाँ। ठीक है, फिर 40 की हो गई थी वही मॉडल। हाँ। वो चला ली, एक तो इंजन नॉइज बहुत ज्यादा ना, कोई फीचर अंदर, फीचर को भी चलो छोड़ दो, गाड़ी चलाने में ना मजा नहीं आता था, मतलब धचकी वचकी। अच्छा अच्छा। और आवाज इंजन करता रहता, तो ये थी। फिर दूसरी बात वो चला ली उसके, है ना, मेरे ख्याल से 5 साल चली थी, कितने साल चली थी, फिर वो दे दी। अच्छा अच्छा। वो दे क्यों दी, क्या नाम है, 157,000 चल गई थी। फिर ये इंडिवर पसंद आ गई थी 21 मॉडल, पहले जब फॉर्च्यूनर ली ना। हाँ हाँ। ये देखी नहीं थी कि अच्छा, है कैसी नहीं। है कैसी नहीं, ये चीज हुई थी। मतलब कि जब फॉर्च्यूनर ले ली ना, उसके बाद देखी कि इंडिवर क्या है, तो इंडिवर देखने के बाद ऐसा प्यार जगह इंडिवर के ऊपर कि भाई एक इंडिवर ये रही, एक वो रही, और एक और थी भाई भी पहले, है ना भाई। और वो तो कुछ नहीं, जैसे पहले वो लंबी वाली नहीं आती थी। हाँ हाँ। वो भी तीन पापा ने पहली रख रखी थी, वो तो बहुत टाइम पहले तो स्टार्टिंग की। हाँ, सबसे लंबी। हाँ, लंबी वाली जो इंडिवर आती थी वो थी, उसके बाद एक और थी, 3-4 जनरेशन थी ना जो भी, सारी रख रखी है भाई, फिर ये ली थी। तो भाई देख लो, मतलब की इंडिवर से कितना प्यार है। फिर सोचा भाई ने फॉर्च्यूनर की तरफ जाने पर, जैसा भाई ने बताया, तो फिर भाई दोबारा एंडेवर पे स्विच हो गए। भाई बताऊं क्या बात है, अब वो हमने ली थी 38 की, अब वो ही सेम सिर्फ लाइट हटा के वही कितने की आ रही, 50, 55, 60। हाँ। क्या फायदा भाई इतने उसमें गेरने का पैसे, ये बढ़िया गाड़ी है। तो लेजेंडर नहीं सोचा फिर, चलो एक बार लेजेंडर पे जाते हैं। घर वाले ने कही थी, मिल नहीं रही थी ना बीच में, भाई तूने जो सी भी लेनी है फॉर्च्यूनर लेजेंडर। अच्छा, मतलब ये नहीं मिल रही थी एंडेवर, नहीं मिल रही थी कोई। मैं कह रहा हूँ मिल गई उस दिन, वरना कह रहे थे तू नई बुक करवा ले, हमारे पास नहीं तेरे साथ घूमना गाड़ी। ये तो है, तू ले ले भाई, पसंद नहीं, मतलब लुक बढ़िया है उसकी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे गाड़ी अच्छी लगती है खड़ी, पर यार फीचर नहीं है गाड़ी, तो देखो डेली चलानी है मेरे को। बिल्कुल, कुछ अटरम शटरम भी तो होनी चाहिए लगाने। हाँ हाँ, जा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो इसमें मतलब सब चीज मिल जाती है, सनरूफ वगैरह, फीचर भी पूरी लोडेड रहने वाली है। बस ये कि ये इंडिया छोड़ के चली गई है ना, कह रहे भाई आएगी वापस। हाँ, 26-25 में वही, कोई कह नहीं कंफर्म वगैरह। भाई अभी है ना फोर्ड मेरे जान लगा रहे, वो बता रहे थे उनकी देहरादून मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले। अच्छा। तो बता रहे थे कि बात कर रहे आने की। जितना मेरे को है मेरे से भाई 70-80% तो कह रहे कि सीबी यूनिट आएगी पहले। अच्छा अच्छा। और अकेले नहीं, किसी और स्टार्ट का होगा, महिंद्रा के साथ किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा इनका जब आएगी। अच्छा जब आएगी ये।
मतलब क्योंकि सिंगल तो अकेले निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक गाड़ी के लिए वो कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करके जब उसमें आएगी, जैसे अपनी वो टोयोटा में ग्लांजा निकलती है बलिनो के रूप में, इस तरीके जैसे आपको पता हो महिंद्रा में रेक्सटन नाम की गाड़ी आती है। हाँ हाँ, वो है कोई सी और कंपनी की, सिंगवान वन कर कोई सी कंपनी। हाँ हाँ, महिंद्रा यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हो, सही कर रहे हो। वो चली नहीं थी गाड़ी, नहीं चली थी, वो पिट गई थी गाड़ी। तो बात करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भाई, कौन सा मॉडल वगैरह क्या है ये? भाई ये 2021 Titanium प्लस 4x4 ऑटोमेटिक। भाई वाह, मतलब जहाँ मन चाहे वहाँ ले जाओ 4x4 के बाद तो, है ना भाई। ये सबसे पहली गाड़ी है वर्ल्ड की एसयूवी में जिसमें 10 गियर और 6 क्लिच आती है। 10 गियर और 6 क्लिच, भाई वाह। तो मतलब इसके अंदर ही होता जो भी है ना, भाई जो भी कुछ है ना, ये 80 की स्पीड तक 100 वो 10 गियर हो जाते हैं इसके पूरे। 80 की स्पीड तक? हाँ, 80 की स्पीड है। वैसे तेज पंजे देखने, नॉर्मल चल रहा है तो 10 गियर तक लग जाएगी गाड़ी वहाँ पर। अच्छा, मतलब उसमें आता है ऐसे करके कि यहाँ पर आ जाते हैं वो गियर दिखते रहते हैं। हाँ, जैसे ऑफरोडिंग पे जाना है ना हमको, तो गियर माइनस कर दो, एक दूसरे गियर से ऊपर ही नहीं जाएगी फिर गाड़ी। ऐसे भी है कि मेरे को 5 गियर तक चलानी है तो लॉक कर दे, उससे ऊपर ही नहीं जाएगी गाड़ी। भाई वाह, मतलब ये तो भाई मैंने अभी पहली बार सुना भाई के मुंह से, नहीं तो मेरे को भी नहीं पता था इतना। तो बात करते हैं भाई क्या क्या चीजें इसमें बाहर से चेंज कराई हुई है। तो भाई ने देखो फोर्ड का लोगो छुपा दिया, सीधा बैटमैन लगा दिया। मेरे को लग रहा है बैटमैन से कुछ ज्यादा प्यार है भाई को, ऐसे ही है क्योंकि ये वाली थीम भी दी हुई है ब्लैक के साथ पूरी। येलो करवा रखा था ये ना। हाँ, येलो था और ये ब्लैक था। अच्छा, जैसे गाड़ी की ब्लैक व्हाइट थीम करी ना मैंने। हाँ हाँ, तो ये करवा दिया फिर ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ये भी भाई सही लग रहा है। और पीछे वाले लोगो भी चेंज है, पीछे वाले लोगो भी ऐसे रहने वाला है। ये पीपीएफ है, रैप है भाई, ये रैप रैप करा रखा है। सैटन ब्लैक, सैटन ब्लैक है ये। भाई मैंने बताऊं क्यों करवाए थे, देखोगे आप यहाँ पे एक डेंट आ रहा है गाड़ी पे ना। ये नहीं पता किसी ने कुछ मार दिया क्या हो गया, वो डेंट छुपाने के लिए मैंने करवा दिया, मगर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, स्पोर्टी लुक आ जाएगी। हाँ ये भी है, ये पूरा मतलब कि इधर से पूरा देख रहे हो ब्लैक थीम हो गई है पूरी, यहाँ से ऐसे पूरी। तो इतनी बार पेंट करवा ली, जब भी पेंट उतर जाता है इसका भी दोबारा करवा। अच्छा, मुझे लगा कि इस पे भाई आपने रैप वैप करा रखा है। रैप चढ़वाया था, रैप रुकता ही नहीं है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, मैंने कोई 10 बार पेंट करवा दिया इस पे तो रुकता ही नहीं है इस पे। नहीं भाई, तो भाई ये चेक कर सकते हो। अगर लाइट की बात करें, लाइट भी अपनी स्मोक वगैरह कराई हुई है ना, एलईडी लाइट वगैरह लगी हुई है इनके अंदर। स्मोक है कहने की, ये भी स्मोक करवा रखा था मैंने पहले भाई। ये इतनी डार्क स्मोक है, इसका थ्रो ही नहीं आता था कुछ भी, थ्रो ही नहीं है इसका कुछ भी, फोग लैंप की वजह से हटाई। अच्छा अच्छा अच्छा, एलईडी है ये थ्रो दे देती है, अच्छा चल जाती है गाड़ी आराम से। वो तो है। अब बात करते हैं, जैसे कि भाई ये बहुत हैवी गाड़ी है, मतलब वेट भी इसका ज्यादा है, और उसके ऊपर भाई ने लगा रखे हैं 24 इंच के अलॉय व्हील, और प्लस भाई प्रोफाइल भी अपनी बहुत कम रहने वाली है ना। अगर मैं दिखाना चाहूँ प्रोफाइल इसकी 295/35R 24 इंच के भाई ये इसके अंदर अलॉय व्हील है। तो भाई जब डलवाने गए थे क्या 24 सोची थी, 26? भाई 22 इंच सोची। अच्छा 22 सोची थी और 24 पे चले गए, सोच रहा था पर 20 दूसरी वाली में लग रहे, जैसे अभी उसका भी करेंगे 20 लग रहे थे, 20 चला ली, 22 लगवाऊं, एक डिजाइन पसंद आ रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं ब्रेजा में भी अलॉय डलवाने गया था ना, जब मैंने एक ही लगवाया था और एक ही, फिर मगर भाई यही डाल दो जो पहली बार में डल गया 24, मैंने देखी भिड नहीं रही कहीं पे भी, मगर भाई डाल दे यही। अच्छा, कहीं से कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, कुछ डायरेक्ट फिटमेंट है, क्योंकि भाई एक तो गाड़ी के अंदर जगह इतनी फॉर्च्यूनर में नहीं आती इतनी, भाई फॉर्च्यूनर 22 इंच में बोलने लग जाती है भाई, कितनी जगह है इसके आगे पीछे, सारी जगह कहीं नहीं भिड़ती भाई। ये गाड़ी नहीं है, एक तरीके से मॉन्स्टर है पूरी, है ना, मॉन्स्टर ट्रक कह सकते हैं, जैसे इनका भार आता है ना। कंफर्ट देखो 19-20 का फर्क तो देखो आता है, झटकी वगैरह थोड़ी सी ज्यादा महसूस होती है क्योंकि जब इतनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। और नहीं वैसे अगर आपकी गाड़ी एक स्पीड पे सी एक की स्पीड पे चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की आ जाएगी तो सस्पेंशन टाइट है इसका, चली जाएगी इसको। हाँ भाई सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा है। और बात करूं भाई, जैसे कि ये बंदे कहेंगे कि भाई इतने बड़े अलॉय व्हील लगवा लेते हैं इतनी बड़ी गाड़ी, भाई ये ना शौक की बात होती है सारी, है ना, जो शौकीन बंदे होते हैं वो करा भी लेते हैं, नहीं तो आधों पे तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी खरीद के पैसे खत्म हो जाते हैं ना। सही नहीं कह रहा भाई, भाई गाड़ी घर में खड़ी करने के लिए ले लेते हैं, मेरी गाड़ी डेली चलती है भाई। बिल्कुल भाई, बंदे बोल देते कमेंट कर देते कि भाई इतने बड़े लगा रखे, भाई उसके पीछे का राज भी सुनो, जब सस्पेंशन में काम मांगती है ना गाड़ी, और फिर एवरेज भी कम हो जाती है गाड़ी की। एवरेज का है ना, वैसे आपको बताऊं ये ना लोकल में इतनी देती थी 5.1-5.2 कंपनी वाले में भी, अब मैंने डलवाई है ना, जैसे अब मीटर में दिखा रही 5.7-5.8, क्योंकि मैं इतनी तेज भी नहीं चलाता, जब हाँ गाने चल रहे वो एकदम ना जाओ तेज चल जाओ, वरना नॉर्मल पब्लिक देखे, अब तो 40-50 की स्पीड पे चलाते हैं इसको भी देखे भाई बंदे, बिल्कुल बिल्कुल, खैर देखते भी है ऐसे ऐसे मुड़ के, हाँ भाई करवा रखा है काम भाई। देखो जब कोई सिंपल गाड़ी खड़ी और जब ये जाए, इसकी हाइट भी उससे और ज्यादा है, जिस दिन लगवाए थे ना बैठा भाई हाइट ऊंची हो गई थी, फर्क नहीं लगा कुछ भी बिल्कुल। अगर मैं जैसे मान लो कि मैं अलॉय व्हील डलवाने गया हूँ 18 इंच लगवा के और आ रहा हूँ ना, अगर इसको डलवा के तो मेरे को ऐसा लगेगा हाँ थोड़ा फर्क है, वरना अगर आप कोई और भी चलाएगा ना उसको फर्क पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल वैसी रही है गाड़ी, भी वैसी रही है बिल्कुल। बोलते ना ब्रेक
कंपनी वाले से कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इन में लगवाओ अल्टो, कोई सी बड़ी किसी में भी लगवा लो, इनका रेडियस बड़ा होता है ना, वो रुकने में टाइम लगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बबलिंग वगैरह भी है कुछ भाई? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। 20 इंच वाले उन चौड़े टायर में थी, जोरन पावर आजकल वीडियो बना कह रहा भाई इंडिवर में मेरी यहाँ से पार्ट दिया वहाँ से वो पार्ट दिया, भाई मेरे में लग रहे हैं। मैं स्पीति गया था अलॉय व्हील को लगा के 20 इंच के, उसमें ही भाई वाह, तो कोई दिक्कत 160 पे खींची थी गाड़ी, इतनी सी बबलिंग नहीं थी विदाउट अलाइनमेंट भाई। वो ये पता क्या होता है, अलॉय के ऊपर भी डिपेंड करता है, टायर के ऊपर भी, और ये चीज हाँ। अब इनमें से हवा निकल जाएगी आराम से, बिल्कुल। अब वो मोटी गुड्डी के होते हैं ना एमटी, उसमें हवा पास नहीं होती, हाँ। वो ऐसे 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 अनबैलेंस करने लगती है भाई, वो तो करती है क्योंकि अगर थार में देखोगे, थार में कभी वो नहीं करे, मतलब बबलिंग करती है थार में भी क्योंकि एमटी टायर डलवा लेते हैं। तो ये होगी भाई एवरेज, अगर करूँ तो 5 की एवरेज है। और हाईवे पे भाई, हाईवे पे कंपनी वाले की बताऊं तो मनाली गया था, 13 की माइलेज दी थी, 20 इंच में 12, मतलब गाड़ी है ना मैंने चलाई नहीं थी, एवरेज देखी नहीं, वही 120-130 ऐसे चल रही थी, मतलब 13-14 की एवरेज मान सकते हैं। मैं इनकी मानूंगा कि 12 की एवरेज देगी, 11-12 की इनमें आराम से हाईवे पे है ना। मैं दिल्ली गया था 20 इंच लगा के, इसमें इसने 11 की माइलेज दी थी। अरे वाह, तो ट्रैफिक में, क्योंकि दिल्ली में तुम्हें पता है थोड़ी दूर चलती है फिर बंद हो जाती है, मतलब फिर रुक जाती है। गाड़ी में एक चीज हो रहा है, जैसे कहीं में रहते कि आराम से चल रहे तो एवरेज देगी, इसमें है ना मैंने कई बार देखे, मैं खींच के चलाऊंगा ना जब एवरेज ज्यादा दिखाता है, उल्टा सिस्टम है सारा। कुछ ना कुछ हो सकता है। बात करें पीछे की भाई, टेल लाइट चेंज है, आपको लग रहा होगा जस्ट कंपनी से आई हो, पर नहीं भाई, कंपनी की अलग सी अजीब सी आती है, वो गोल सी लगती है ओके लग रही है बिल्कुल। और नीचे भाई रिफ्लेक्टर देख सकते हो, कितना बढ़िया इसका रिफ्लेक्टर रहने वाला है, पीछे से ऐसी कुछ है। और भाई जो मेन चीज है इसका, डिग्गी खोलने और बंद करने वाला फीचर मुझे सबसे तगड़ा लगता है, वो पैर वाला। हाँ हाँ, वो फॉर्च्यूनर चलता नहीं इसका, तो जब भी चल जाता है। हाँ हाँ, लाइट लगवा रहा था मैं इतनी दूर खड़ा, तो वो उसका पैर ऐसे हो गया होगा थोड़ा सा आगे पीछे, हाँ वो खुल गई, ये खुल गई अपना आप ही, है ना। तो ये देख सकते हो भाई, ये नंबर आपको साथ ही मिला था 15-14। हाँ साथ मिला था, इसमें दूसरे आए थे 111-0, मैंने कुछ महीने उन नंबर पे चलाई थी गाड़ी, उन्हीं नंबर प्लेटों पे ये आ गए थे नंबर, मगर यार छोड़ देना क्यों नंबर प्लेट बनवाओ, फिर घूमने जाना था जब बनवा लो, मगर कोई रोक रूक ले काम का। अच्छा अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ साइड में ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ में कितने चढ़वा लो, 70 रुपये जब भी रोक लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई वो तो रिकमेंडेड भी नहीं है सारी चीज, नंबर तो भाई भी आना है अपने इस महीने आ जाएगा। अच्छा मतलब इस पे नया नंबर चढ़े, मतलब रजिस्ट्रेशन दूसरा, वो चलती है ना अपनी सीरीज वही चढ़वाएंगे भाई। तो फिर इसका जो नंबर होगा, बंदे पूछेंगे इसका जो नंबर होगा वो कहाँ जाएगा, सरेंडर हो जाएगा भाई वो। मतलब उसे किसी दोबारा आरटीओ में चला जाएगा, अगर आप कुछ ये ना सरेंडर्ड नंबर लेना है आपको, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। जैसे अब सपोज मानो मेरी उस गाड़ी पे जो नंबर है और मैं उस नंबर को दूसरी कार पे अपने पे चढ़वाना चाहूँ, अगर आपके नाम है ना दोनों चीज, हाँ तो आप फाइल ट्रांसफर करवा सकते हो दोनों, मतलब कि दोनों का नंबर चेंज हो जाएगा एक्सचेंज। तो मतलब उसमें क्या कुछ खर्चा वर्चा आता है ऐसा कुछ भाई? आपको ना एक वो पकड़ना पड़ता है, दलाल कहते हैं ना जिसको, हाँ। वो पकड़ना पड़ता है, वो 5-10 हज़ार जो अपना खर्चा ले वो उस हिसाब से आरटीओ की फीस के हिसाब से। देखो फीस पे आप जाओगे लाइन में लगोगे तो टाइम भी लगेगा, बिल्कुल आपकी वो स्लिप भी कैंसिल होगी, ये चीज है। हमने तो क्या है जैसे इस पे लेना है फाइल लगा, ये सरेंडर दूसरा, अगर इसको किसी और चीज उतार तो पहले इसमें फाइल लगा दूंगा, वो उस पे दूसरी पे, और फिर इस पे नया। मतलब कितने महीने का प्रोसेस होता है या कैसे? 10-15 दिन का भाई प्रोसेस होता है सारा। तो आप आज करवा रहे हैं तो आज आरसी बन जाती है, कार्ड रहता, कार्ड प्रिंट होती है, साइन कर दो ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अब बाहर से तो ये हो चुकी है, साइड स्टेप भाई ने हटाए हुए, जिससे कि भाई इसकी हाइट और ज्यादा ऊंची लग रही है ना। साइड स्टेप हटा दे और भाई पीछे के यहाँ पर वो आते हैं मड फ्लैप, वो हटा दे क्योंकि गाड़ी पीछे से ऐसी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मड फ्लैप थी। हाँ तो पीछे से टायर भी दिखते हैं भाई, अलॉय की लुक ना जब भी आती है, जब आप गाड़ी के मड फ्लैप हटा दो आगे पीछे के सारे, क्योंकि लुक ही उसकी जब भी जमती है। तो बाहर से हमने सारी चीज दिखा दी भाई, अब अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है। अगर अंदर से दिखाना चाहूँ तो एक तो भाई ये इतनी ऊंची है, इसका इंटीरियर भाई बहुत ही बढ़िया लगता है, ये पूरा डैशबोर्ड वगैरह इसका, तो ये चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि टॉप मॉडल अपना टॉप है ना, तो इसमें भाई ऑटो पार्किंग वाला फीचर आता है ना, ये रहा। तो ये भाई ये बहुत बढ़िया लगता है, पर तुम्हें तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, इतने अच्छे लगे, इतने तो लगा दोगे। नहीं, नहीं मजे आते भाई। अच्छा, मैं जहाँ पर कहीं भी जाता हूँ ना, मेरे को दो गाड़ी खड़ी दिख गई, मैं पहले दबा देता हूँ इंडिकेटर देख के, हाँ। तो आगे चले गए अपना स्पेस फाइंड कर ली भाई, मैं कह रहा हूँ जिस जगह पे मैं 10 बार मोड़ तोड़ के लगाऊंगा ना, वहाँ पे अपना 2 बार में लगा देती है। मजाक नहीं कर रहा, इतनी इतनी जगह छोड़ छोड़ के नहीं इसने गाड़ी लगाई, जब मैं फैन हो गया तो हाँ भाई है कुछ गाड़ी इस पे दिल आ गया है। तो भाई देखो इतने सारे फीचर्स वगैरह इसके साथ मिलते हैं, सनरूफ मिल जाती है, पैनोरामिक पूरी, और ये भाई ब्लैक कंपनी से आती है, पूरा ब्लैक टोन इसमें, ड्यूअल टोन आती है पूरी, यहाँ से अलग ऊपर से अलग पूरी, देख सकते हो।
और अंदर भाई कुछ चेंज कराने की मेरे हिसाब से सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैंने सिस्टम वगैरह ना मैंने ब्रेजा मैंने भाई 1 लाख से ऊपर रुपए फूक दे इतने, मैंने बहुत बार चेंज करवा रखा है सिस्टम वगैरह उसका ना भाई। बताऊं क्या, एक तो ज्यादा देर सुन नहीं सकते आप, ठीक है, इसका सिस्टम ऐसा मजे आते हैं सुनने में ना गाने वाने, और दूसरे भाई ये गाड़ी ने मेरे को बजवानी नहीं थी कि जो कहीं भी खड़ 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 करने लग रही है ये चीज। भाई आप ये बता दो इंटीरियर में मैं क्या काम करवाऊंगा भाई, कुछ भी जरूरत नहीं है, एंड में करवाऊंगा नहीं भाई, वो ऐसे गैप बना देती है उस वाली में लग रही थी उसकी लगाड़ दिया एम्बिएंट मैंने इसी चक्कर में। भाई एक तो कंपनी से इसमें एक सबवूफर आता है पीछे डिग्गी में, एक यहाँ और एक पीछे, दो सबवूफर कंपनी देती है और फिर डोर्स में अपने कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं। तो मतलब नीड ही नहीं होती जितनी मैंने अभी तक एंडेवर इतनी कवर करी है, कम से कम कर दी होंगी 30 के आसपास आराम से, तो किसी ने भाई सिस्टम लगाने की जरूरत ही नहीं है। आवाज तेज कर दो 20-22 पे, हॉर्न मारूंगा हॉर्न भी नहीं सुनेगा अंदर। बिल्कुल, फॉर्च्यूनर की 52 आवाज थी भाई मैक्सिमम, इंजन की आवाज, उसकी घेर लीवर जो सब कुछ भाई कड़ वो क्या है यार, वो इतनी महंगी गाड़ी दे रहा हो, अब लग भी चेंज नहीं करा वो। बिल्कुल बिल्कुल वो तो है। तो अभी इन्होंने अपनी वो नई लीडर भी लॉन्च करी है शायद ना, अभी उसका क्या कर रहा है, प्राइस ही बढ़ा दिया, बल्कि लेजेंडरी ना ले लेंगे बंदे इतने रुपए में। बिल्कुल भी, मतलब 3 ऑप्शन दे दिए उन्होंने फॉर्च्यूनर के अंदर ना, कि ऐसे ना तो ऐसे सही, बंदे कह रहे कि हाइब्रिड आएगी, मगर चलो आ गया हाइब्रिड तुम राजी हो रहे हो, मगर उनका रेट क्या होगा, 1 करोड़ रुपए होगा कम से कम, 70-80 लाख रुपए, 65 की तो भी हो रही है जीआर स्पोर्ट। बिल्कुल वो तो है ही, और फिर साथ में साथ भाई उन्होंने ये फीचर भी थोड़े ऐड ऑन करने चाहिए कहीं ना कहीं देखते हुए कि भाई आप ये देखो कंट्रोल, मैं तो चलो अभी चलूं, कोई बंदा बैठ जाए ना घबरा भाई, मेरे क्या क्या बटन है क्या, वो तो भाई अगर कोई अननोन वैसे बंदे बैठो कि भाई इतने सारे बटन है, हाँ ये हो गए, ये तो चलो मोस्टली सबको पता ही है, इधर होगा ये सारे, अरे भाई कैसे कैसे लिमिटर आता है फॉर्च्यूनर में नहीं आता, इससे क्या होता है, जैसे मान लो दिल्ली लिमिटर वो होता है स्पीड लिमिट, अगर मैं लिमिट कर दूंगा ना इस पे कि भाई मैंने कर दी 30 से 40 होते, जैसे उधर भाई स्टार्ट हो गई, ये देखो ये 60 पे लिमिट होगी मेरी, तो मेरी गाड़ी 60 के जाने के बाद है ना पावर कट कर देगी, मैं रेस दूंगा ना कितनी भी तो वो चलेगी नहीं, जाएगी नहीं है ना। और अगर मेरे को वो करना है ओवरटेक, वो गाड़ी जैसे एकदम पंजा देंगे ना तो समझ जाएगी कि ओवरटेक है, फिर नॉर्मल हो जाएगी स्पीड। अच्छा 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 भाई ऐसा है भाई, देखो मतलब कितना दिमाग है इसके अंदर है ना भाई, ये है। तो इसका मैं आउटपुट वगैरह आपको सुनाने वाला हूँ कैसा कुछ इसका आउटपुट आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। तो भाई अगर मतलब बात करूँ ना गाड़ी का ऑडियो सेटअप बिल्कुल डिसेंट है, बेस वगैरह वोकल्स वगैरह सब बिल्कुल, सिर दर्द नहीं होता कहीं लंबा घूमने चले जाओ, हाँ मजे आते हैं। अच्छा भाई मतलब एक ही वाली गाड़ी मुझे पसंद है जिसका कंपनी से ही ऑडियो सेटअप बहुत अच्छा आता है, एक लोती यही गाड़ी है, इसके म्यूजिक सिस्टम के बाद है ना सिर्फ रेंज रोवर का ही टक्कर दे सकता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप एक कंपनी के नवा दो उसका ऐसा है अब ये बता दो भाई, फॉर्च्यूनर चलो कुछ मैं मानता ही नहीं इसके आगे, उसको कुछ भी नहीं मानता भाई, भाई उसका टोक भी है ना 700 रुपए का आता है जो की हर टाइम टग ऑफ वॉर में टूट जाता है, 55 लाख की गाड़ी दे रहे हो, इनका चेसी में बैठ जाता है टोक, तोड़ के दिखा दो, चलो खींच के दिखा दो, वो एक राहुल राव साहब करके जो स्कॉर्पियन की वीडियो बनाता है वो पता होगा, वो ऑफ रोडिंग मैंने उससे कह रहा कि मैं भाई मेरी दो गाड़ी खड़ी कोई इसी से कर ले भाई, मैं तो करने को तैयार, मतलब खुला चैलेंज है भाई, और बताओ मैं तो तैयार हूँ, वो खड़ी वो एक साइड खड़ी कर रखी, आ जा भाई जब भी तेरा जी करे ना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है भाई, हमने सब चीज दिखा दिया टोटल। तो भाई अपने अलॉय कितने के पड़े थे, हमने रेट पूछना भूल ही गए थे भाई, अलॉय पड़े 250 के, 2,50,000 रुपए के टायर समेत है ना, अब तक कोई दिक्कत परेशानी, जैसे बहुत बंदे कहते भाई अरे गलती तो नहीं करती अलॉय व्हील लगवा के ऐसा कुछ की, भाई मैंने है ना ये ऐसे नहीं लगवाया कि भाई चलो लग गए, मैंने अभी वैसे लगवाया 24 इंची, इसके बाद ना मैं 24 में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 22 इंची में, 22 में क्यों ऐसा कुछ मतलब कि कुछ नेगेटिव पॉइंट की लगा, वो 24 नेगेटिव नहीं लगा ना भाई, थोड़ा सा है ना एक डर रहता है, कहीं बाहर बूर घूमने नहीं जा सकता मैं इनके साथ ना, इसकी एक स्टेप नहीं और लेके आऊंगा मैं, जैसे ये अलॉय व्हील ना ऐसे नहीं कोई से और 24 इंच मिल गए ना मायपुरी वगैरह से, वो लेके आऊंगा एक गाड़ी में रखे रखूंगा कहीं बाहर जाना हो हाँ,
वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई टायर है वो भी ऐसे, ये भी ऐसे है, 20 इंच भी ऐसे, 18 भी ऐसे, वो भी फटेंगे, पर एक मैं 24 इंच में स्टेप नहीं लगाऊंगा 18 इंच को, गाड़ी सीधी 6 इंच ऐसी हो जाएगी। हाँ, और टेढ़ी चलेगी। हाँ, टेढ़ी चलेगी, ये दिक्कत आती है। 20 में भी 18 की लगाओगे जब भी गाड़ी ऐसे चलेगी टेढ़ी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा है ना ये डर सा है, वैसे घूमने तो मैं जाऊंगा नहीं कहीं, पता देखो लोकल यहाँ ऐसे तो टायर खराब है इनकी, नहीं चलेंगे भाई अपने। तो मैंने उनसे मैंने बताऊं क्यों लगवाया, ढिल्लो प्रीत है उसकी गाड़ी, अब तक कितनी जेन्युइन गाड़ी है, कितनी साफ गाड़ी है, जैसी गाड़ी नहीं होगी इंस्टाग्राम पे ना कोई, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी पसंद है, मगर यार सब लगवा रहे, कोई नहीं लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था यार 24 इंच इतने बड़े, जब 26 आए थे वो यार 24, फिर मैंने जिस दिन लगवाया ना मगर तो ऐसे ही आ गए, ऐसी लगता है जब लगवाने के बाद ना लगते यार छोटे लग रहे, थोड़े से और बड़े हो जाते हैं सही में। अब मैं कह यार ये तो नॉर्मल लग रहे हैं, ऐसे है वैसे है। भाई पर बताऊं क्या, अगर ये कटती कुटती ना कहीं से, मैं नहीं लगवाता भाई ये, मैं तो 18 छोड़ दे, मैं कहीं और पंजाब तो 20 इंच 22 इंच लगवा लूंगा, बिल्कुल लगवाने। ये तो महंगी इतनी कर भाई, दिल्ली है आपको पता है, कल भी बात हुई अपनी, इतनी महंगी चीज कर रखी है भाई। वो तो है, तुमने सब चीज दिखा दी, तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है भाई? मेरा यदुवंशी आयुष 9700 से है भाई। बिल्कुल, तो जाके भाई को फॉलो कर लेना, बढ़िया बढ़िया रील्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और उसका भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है इसके बाद। तो ये आज की टोटल ओवरऑल वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।